हेलो फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। वीडियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ भी शो करना है तो आप वीडियोस के बिना वो शो नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आप फ़ोन से बना सकते हो वीडियोस को, बट जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हो तब आपको अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको 2023 में कौन सा कैमरा लेना चाहिए, आपको DSLR में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिररलेस में, बिकॉज इन दोनों में फ़र्क है भी और नहीं भी। कैमरा होने की वजह से ये दोनों ही शूटिंग का काम करते हैं, तो आपका नॉर्मली ये शूटिंग का काम तो दोनों ही कर सकते हैं, बट आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए ये सोचने वाली बात है, तो उसकी टेंशन आप मत लो, वो काम मेरा है सोचने का और बताने का। इस वीडियो को ज़्यादा हम टेक्निकल रूप में ना ले जाके इजी वे में ले जाते हैं ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो कि आप किस कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे कैमरे अवेलेबल हैं, आपके पास DSLRs अवेलेबल हैं, मिररलेस अवेलेबल हैं, आपके पास फुल फ्रेम क्रॉप सेंसर और भी बहुत सारे सिनेमा कैमरे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बट अगर आप अपने कंटेंट को बिगिनिंग लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप सीधा 1 से 2 लाख रुपए के कैमरे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तब आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप DSLR में इन्वेस्ट करो या मिररलेस में, वो भी क्रॉप सेंसर, और वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इस चीज़ को हम 5 पॉइंट से क्लियर करेंगे। पहला, साइज़। मिररलेस कैमरे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं, आप इजी इन्हें ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो। वहीं पर DSLR इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी और थोड़े से बड़े साइज़ में होता है। आप जितना महंगा DSLR लोगे वो उतना ही धीरे धीरे हैवी होता जाएगा, बट उसी के कंपैरिजन में आपका मिररलेस कैमरा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है आपके लिए। आप उसे ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं आप ब्लॉगिंग में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इजी ही बना देता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आप कहीं भी बाहर जाके शूट कर सकते हैं। दूसरा, फोकस। अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो आपको पता होगा फोकसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी वीडियो में। फोकसिंग आपकी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए इसके बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जो मिररलेस कैमरे आ रहे हैं उनमें ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा है और आपको फुल स्क्रीन में फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे। वहीं पर DSLR में फोकस इतना अच्छा नहीं होता है। मिररलेस में आपको आई ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग या आपको स्पोर्ट्स मोड, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको फोकसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपका काम को और ज़्यादा ईजी बनाने में आपकी मदद करते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तीसरा, फीचर्स। फीचर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आप लाइन में हो। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जितने अच्छे फीचर्स होंगे आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसे यूज़ करने में और उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। उसी तरह कैमरे में होता है, आपके पास मिररलेस है और DSLR है, DSLR में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते जो आपके पास मिररलेस में फीचर्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लेटेस्ट आपके मिररलेस कैमरे आ रहे हैं, उसमें आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है। अगर आप वर्टिकली शूट कर रहे हो वीडियोस को तो भी वो आपकी मदद करता है, आप कुछ सॉफ्टवेयर में जाके अपनी वीडियो को रोटेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको सीधा रोटेट करके देख। और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो मिररलेस में अवेलेबल हैं जो DSLR में नहीं है, बिकॉज मिररलेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है और DSLR वही पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है जो पहले चलती थी और चली जा रही है। चौथा, फ्यूचर। कोई भी इंसान अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये सोच के चलता है कि ये फ्यूचर प्रूफ हो, और वहीं पे मिररलेस फ्यूचर प्रूफ है बिकॉज DSLR बहुत ज़्यादा पुराने हो गए। अब कंपनियों ने भी मिररलेस का टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करा है और उसके रिगार्डिंग वो रोज़ कुछ ना कुछ नए फीचर्स या नए कैमरे या नए लेंसेज लाते रहते हैं आपके लिए। तो आप आज के टाइम पे भी अगर DSLR में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बिकॉज आपको आगे जाके ज़्यादा कुछ नए वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। आपको लेंसेज जो आप पहले के हैं आपको वही मिलेंगे, लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो आपको बेनिफिट नहीं है उस पर जाने का। आप मिररलेस लो, मिररलेस में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल जो आपके कंटेंट क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने में आपकी मदद कर सकती हैं। और एंड का, प्राइस, मनी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, बिकॉज अगर आप एक मिररलेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किसी DSLR के हिसाब से, बिकॉज DSLR के लेंसेज बहुत ज़्यादा चीप होते हैं मिररलेस के अकॉर्डिंग। मिररलेस की बॉडी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितने एक्सपेंसिव उनके लेंसेज हैं। मिररलेस के कैमरे आपको हाई फोकसिंग, आपको शार्पनेस और बहुत सारे वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने काम को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाते हो। बट जब बात प्राइस की होती है तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो लेंसेज आपको DSLR में ईजिली 20 से 30 हज़ार का मिल जाएगा, सेम लेंसेज आपको उससे डबल प्राइस में मिररलेस में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप प्लीज़ प्राइस को देख के चलें। बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मिररलेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, DSLR को साइड कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करें जिन्हें वीडियोग्राफी की नॉलेज है, जिन्हें अभी कैमरा लेना है, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्हें DSLR लेना है या मिररलेस, प्लीज़ उन लोगों को शेयर करें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.